जी आई थिंक जो आज जो खली बली में मैं रोल कर रहा हूँ वो एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर का है. उसमें ये एक बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर है जो बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन कैसे वो अपने गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ता है और कैसे क्या क्या चीज़ें उसके आसपास घूमती हैं. एंड सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर. आगे जाके फर्स्ट हाफ के बाद जो इसमें चेंजेस आते हैं, क्योंकि ये कॉमेडी हॉरर है, तो इसके ऊपर बहुत से ऐसी इसके ऊपर चीज़ें बीतती हैं कि ये सफ़र भी कर रहा है लेकिन इसके अंदर प्यार भी है. तो इट्स अ वेरी लेट कैरेक्टर और मैं इससे ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा उसके बारे में. जी आई थिंक कॉमेडी हॉरर तो मैंने बहुत किए हैं जो आपको पता है, एंड थ्रिलर्स भी मैंने बहुत किए हैं. तो कॉमेडी का एलिमेंट जब हॉरर में डलता है तो बहुत ही एक अमेजिंग मिश्रण है. एंड आई थिंक शर्मा जी, मनोज शर्मा जी इज़ वेरी टैलेंटेड. ही हैज़ दैट नैक ऑफ कैप्चरिंग कॉमेडी. तो जब वो ऐसा कोई डायरेक्टर आपके पास आता है तो आप डेफिनेटली सोचते हैं कि हाँ ये शायद इसको पुल कर पाएंगे. एंड ऐसा कैरेक्टर मैंने पहले नहीं किया तो मुझे लगा कि ये डेफिनेटली करना चाहिए. जी जैसा मैंने पहले कहा कि ये एक कॉमेडी हॉरर है और साथ में 1920 जो थी वो एक हॉरर फिल्म थी. फिर सांसें भी हॉरर फिल्म है. मेरी इनफैक्ट नेक्स्ट एक आ रही है मुश्किल, दैट्स अ साइको थ्रिलर. तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट जोन है ये. एंड इसके अंदर आपको हॉरर तो है लेकिन साथ साथ में आपको मतलब आप थ्रू आउट आप इसमें हंस रहे होंगे, क्योंकि इसमें मतलब अगर हिंदी बोले तो फट भी रही होगी लेकिन साथ में हंसी भी आ रही होगी. तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई लाइक. जी आई थिंक कुछ है पिछले जन्म का, तो जो पिछले जन्म की कहानियाँ हॉरर फिर साथ में थ्रिलर्स ये मेरे पास ज़्यादा आती हैं. एंड मुझे अगर कोई प्लेन लव स्टोरी देते हैं या फिर कोई प्लेन थ्रिलर देता है तो 90% मैं ज़्यादा थ्रिलर को एक्सेप्ट करता हूँ, उसको हाँ बोलता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है. एंड बट उसके अलावा अब हाँ आप जल्द मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ में और देखेंगे जो कि एक टीवी चैनल पे है, तो वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता. उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी है नेक्स्ट वीक, तो वो एक बार करेंगे एंड वी डिस्कस दैट. जी मैं पाला तो पढ़ा है, भूतों से पाला पढ़ा है, आत्माओं से पढ़ा है, लेकिन मैं मतलब लकीली ये हुआ कि तब मुझे हनुमान चालीसा आती थी एंड मैं बच गया, तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ. जी धरती में नहीं होता, एक्चुअली लोगों पे होता है, या तो लोगों में होता है या उनके अंदर होता है. तो हर इंसान के अंदर राम भी है रावण भी है. तो इट्स जस्ट अबाउट कर्विंग योर ओन रावण. थैंक यू.